हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे बेसन का बहुत ही हेल्दी नाश्ता इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हो और इवनिंग में स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हो ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके लिए लेंगे एक मिक्सी का जार उसमें डालेंगे एक कप बेसन इसी के साथ डालेंगे दो हरी मिर्च को इस तरह से बारीक कट करके हरी मिर्च को बारीक कट करके ही डालिए तब अच्छे से ये पिस पाएगा इसी के साथ डालेंगे एक इंच अदरक का टुकड़ा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है साथ ही हम डालेंगे हल्दी का पाउडर अच्छे कलर के लिए हम डाल रहे हैं वरना ये ऑप्शनल है और इसी के साथ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पे डालेंगे हींग हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है के बाद अब मैं ले रही हूँ एक कप से थोड़ा सा कम पानी और यहाँ पे हम आधा पानी इसमें डाल देंगे और आधा हम बाद में डालेंगे ढक्कन बंद करेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो देखिए ग्राइंड हो चुका है सारी चीजें अच्छे से पीस चुका है और बहुत ही स्मूथ बन गया है और अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे अभी ये बहुत ही गाढ़ा है जो हमने पानी बचा के रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे हमें पतला सा बैटर तैयार करना है कुछ इस तरह का देखिए मैं चम्मच इसमें डुबा के दिखा रही हूँ इसमें कोटिंग तो हो रही है पर ये बह के नीचे गिर जा रही है तो इस तरह का हमें बैटर रखना है और इस रेसिपी में अब हम डालेंगे नींबू इस रेसिपी में खट्टा का होना बहुत जरूरी है मैं अभी आपको बताऊंगी की हम क्या बनाने वाले है अगर नींबू नहीं है तो इसके जगह पे आप आधा कप दही डाल सकते हैं तो जो भी आपके पास है उसे डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम लेंगे एक कढ़ाई उसमें डालेंगे दो ग्लास पानी इसी के साथ इस तरह का एक छलनी वाला थाली रख देंगे और पानी को गरम होने देंगे और अब लेंगे एक थाली या प्लेट कोई भी आप ले सकते हैं और उसमें हम थोड़ा सा तेल डालकर ग्रीस करेंगे और अब हम तैयार किया हुआ बैटर इसमें डालेंगे एक या दो चम्मच डाल देंगे और इसे हमें इस तरह से घुमा घुमा के फैला देना है बिल्कुल पतला सा लेयर इसमें हमें फैलाना है तो ये देखिए हमने इसे फैला दिया है और यहाँ पे हमारा पानी भी गर्म हो चुका है तो अब हम बहुत ही सावधानी से प्लेट को इसके ऊपर रख देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती इसको हम ग्रीन टच देंगे इससे बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में ऊपर से इसे ढक देंगे एक मिनट के लिए बिल्कुल एक मिनट का समय लगेगा और बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाएगा तो इसे सावधानी से हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे उसके बाद हम किनारों को इस तरह से स्क्रैच कर देंगे और अब हम इसे कटिंग करेंगे तो हल्का सा इसे किनारों को उठाएंगे और इसे हम रोल करेंगे दोस्तों ये हम बना रहे हैं खांडवी बहुत ही आसान तरीके से वैसे तो खांडवी बनाना बहुत ही झंझट का काम लगता है पर हमने एक मिनट में बहुत ही आसानी से खांडवी बना लिया ये देखिए तो इस तरह से आप बिना झंझट वाला खांडवी बना सकते हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से तो देखिये मैंने इसे रोल कर लिया और तो इस तरह से हम रखते जाएंगे प्लेट में पहला बैच तैयार हो गया है और अब हम दूसरा बैच तैयार करेंगे तो इसके लिए आपको थाली को को धोना नहीं है बार बार सिर्फ इसके ऊपर डालें थोड़ा सा तेल ग्रिस कर लीजिए और बैटर फैला दीजिए और सीधे स्टीम वाले कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे ढक के एक मिनट के लिए पकाएंगे एक मिनट हो गया है और अब हम इसे कटिंग करेंगे और उसी तरह से हम सारे ही खांड बना लेंगे रोल करके तो ये देखिए बहुत ही आसानी से बन गया हमारा दोस्तों इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा तो अब इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे तड़के के लिए मैंने एक तड़का पैन रखा है उसमें एक चम्मच तेल डाल दिया है साथ ही में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा आधा छोटा चम्मच ही राई डालेंगे इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा तिल और साथ ही में डाल देंगे धनिया की पत्ती धनिया पत्ती नहीं है तो आप यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल सकते हैं और हमारा तड़का तैयार हो गया है और अब हम खांडवी के ऊपर डाल देंगे इस तड़के से हमारा खांडवी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खाने में टेस्टी होता है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बाय बाय